अगर आप एक्टिवली नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हो, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो आफ्टर मार्केट या AMO प्लेस करके। AMO एक ऑर्डर टाइप है जो आपको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के बाहर ऑर्डर्स प्लेस करने में आपकी मदद करता है। AMO ऑर्डर्स अगले दिन मार्केट ओपन होने पर एग्जीक्यूट होते हैं। आप AMO ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके अपने ऑर्डर्स मार्केट खुलने से पहले प्लान करके प्लेस कर सकते हो। AMOs हर प्रोडक्ट टाइप का इस्तेमाल करके प्लेस किए जा सकते हैं, जैसे CNC, MIS और NRML। AMOs कवर ऑर्डर की तरह प्लेस नहीं किए जा सकते। AMOs इस टाइम के बीच मॉडिफाई या कैंसिल भी किए जा सकते हैं। इक्विटी सेगमेंट में NSE पर AMOs 3:45 PM से लेकर 8:57 AM के बीच और BSE पर 3:45 PM से लेकर 8:59 AM तक प्लेस किए जा सकते हैं। करेंसी सेगमेंट में AMOs 3:45 PM और 8:59 AM के बीच प्लेस किए जा सकते हैं। FNO सेगमेंट में AMOs 3:45 PM से लेकर 9:10 AM के बीच प्लेस किए जा सकते हैं। MCX पर AMOs आप दिन के किसी भी समय प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर AMO ऑर्डर मार्केट आर्स के समय प्लेस किया गया है तो वो अगले दिन सुबह 9 बजे एग्जीक्यूट होगा। गाइड ऐप पर AMO प्लेस करने के लिए मार्केट वॉच पर सर्च करें या उस इंस्ट्रूमेंट पर टैप करें और बाई या सेल पर टैप करें। अब AMO पर टैप करें, ऑर्डर डिटेल्स फिल करें और ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्वाइप करें। काइट वेब पर AMO प्लेस करने के लिए मार्केट वॉच पर सर्च करें या उस इंस्ट्रूमेंट पर क्लिक करें और बाई या सेल पर क्लिक करें। अब AMO पर क्लिक करें, ऑर्डर डिटेल्स फिल करके क्लिक करें, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। AMOs इन टाइमिंग के बीच एक्सचेंजेस को भेजे जाते हैं। इक्विटी सेगमेंट में मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स एक्सचेंज को सुबह 9 बजे भेजे जाते हैं। इक्विटी सेगमेंट में ऑर्डर्स जिनकी IOC वैलिडिटी है और जिसकी डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी सेल क्वांटिटी से 100% से कम है, तो स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स एक्सचेंजेस को सुबह 9:15 को भेजे जाते हैं। FNO सेगमेंट में ऑर्डर्स 9:15 AM को भेजे जाते हैं और करेंसी ऑर्डर्स एक्सचेंज को सुबह 9 बजे भेजे जाते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी होंगी। अगर आपने डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन या DDPI सबमिट नहीं किया है तो CNC सेल AMO में TDAY पर खरीदे गए स्टॉक्स अगले दिन प्लेस हो पाएंगे, यानी T+1 डे पर 6:30 AM के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे को स्टॉक खरीदा है तो आप AMO ट्यूसडे 6:30 AM के बाद ही प्लेस कर पाएंगे। अगर आपने DDPI सबमिट नहीं किया है तो आपको CDSL क्लिपिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा शेयर्स को होल्डिंग से बेचने के लिए। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। स्टॉक्स जो आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो चुके हैं, उनके लिए CNC सेल AMO आप 5 बजे को प्लेस कर सकते हैं, इनकेस आपने DDPI सबमिट नहीं किया हो। ये इसलिए है क्योंकि TPIN ऑथराइजेशन AMOs के लिए 5 बजे को एक्सेप्ट होता है। AMOs वीकेंड्स और ट्रेडिंग हॉलीडेज पर दिन के किसी भी समय प्लेस किए जा सकते हैं। AMOs ETFs के लिए अलाउड नहीं है। आप ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए GTT ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। GTT ऑर्डर्स के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें।